अफगानिस्तान के उत्ते तालिबान का राज आउंदिया ही पूरी दुनिया के विचों एक ही सवाल उठ रहा है। वो सवाल यह है भी तालिबान के हेठ अफगानिस्तान का भविख की होगा तो अंतरराष्ट्रीय समीकरण किस तरीके बदलणगे। इस सवाल का जवाब लभण वास्ते सानू एक फर्क समझना पवेगा। फर्क 1996 के तालिबान तो अज के तालिबान के विचकार, फर्क मुहम्मद उमार के तालिबान तो गनी ब्रादर के तालिबान के विचकार। 1996 जदों इस्लामिक एमीरेट ऑफ अफगानिस्तान बनाया तालिबान का शासन सी तां उदों जवाकां दे हत्थे बंदूकां फड़ाईयां जांदियां सी, घरां चों जवाक चुक के उन्हां नूं अतवादी बनाया जांदा सी ते औरतां नूं एक वस्तु वांगू उपयोग किया जांदा सी। घरां दे विच्चों ओह बाहर नहीं सी निकल सकदियां जिन्नी देर उन्हां दे नाल घर दा कोई मर्द ना होवे। नाल ही औरतां नूं एक पहरावा दित्ता गया सी, उस तों अलावा कोई होर कपड़ा पा के ओह घरों नहीं सी निकल सकदियां। ये पहरावा सी नीले रंग का बुरका। अज के तालिबान के की फरमान ने, की फर्क है 1996 के तालिबान ते अज के तालिबान विचकार, कुछ कु गल्लां तो यह स्पष्ट हुंदा है। सब तो पहली गल कि तालिबान 1996 दे विच एक बागी ग्रोह सी जिसनू हले तक डिसिपलिन का नहीं सी पता, जो कि अज बदल चुकी है। ये गल उत्थों साबित हुंदी है कि तालिबान ने काबुल के उत्ते कब्जा करन तो बाद जिस तरीके शांतिपूर्वक सत्ता हासिल की है, इस तो पता लगता है कि जिथे उन्होंने रोकया जाता सी उत्थे वो रुकते सी, जाने कि हुण एक डिसिप्लिनड फौज है तालिबान, ट्रेंड हो चुके ने, प्रोफेसनल हो चुके ने। उस तो बाद जिहड़े जवाकां दे हत्थ बंदूकां फड़ाउण की गल की जाती है, अज तालिबान कमांडर राष्ट्रपति भवन के आके कहिंदे ने कि असी साढ़े मुल्क के लोगों वास्ते एक चंगी सरकार बनावांगे, उन्हां नूं चंगीआं सुविधावां देवांगे ते लोकां वास्ते एक उदाहरण बणांगे। दूजी गल औरतां दी रही, नीले बुरके पाण दा फरमान 1996 वाले तालिबान ने दित्ता होवेगा। हुण वाले तालिबान कमांडरां दा कहना है कि बुरका नहीं, तुसीं सिर्फ हिजाब पा के घरों बाहर निकल सकदियां हो, तुसीं स्कूल भी जा सकदियां हो, यूनिवर्सिटियां भी जा सकदियां हो, कामकाज भी कर सकदियां हो, घरों बाहर निकलण वास्ते घर दे मर्द दा नाल होना भी जरूरी नहीं। औरतां नूं इन्नी आज़ादी अज का तालिबान देन नूं तैयार है, ये लफ्ज़ ने तालिबानी कमांडर दे। हुण एक होर तस्वीर भी वायरल हुई है जदों तालिबानी लड़ाकू अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन के पहुँच के सत्ता हासिल कर चुके ने, तो पिछे एक तस्वीर देखी जा सकती है। ये तस्वीर है अहमद शाह अब्दाली की। अब्दाली वो शख्स है जिसनों अफगानिस्तान का निर्माता बनया जाता है। हुण ये तस्वीर जरूर इन लड़ाकों ने नहीं लाई, पहलों की सरकार वालों लाई गई होगी, पर क्योंकि इस तस्वीर नूं अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों वालों फाड़िया नहीं गया, इस तो स्पष्ट हुंदा है कि वह भी अब्दाली नूं हुण किते ना किते सम्मान देंदे ने, जां फिर दुनिया नूं सुनेहा देना चाहुंदे ने भी असी अब्दाली नूं नज़र दे विच रख के शासन चलावांगे, सत्ता चलावांगे। नाल ही एक होर वड्डा भी बदलाव आया, जिवें ही तालिबान ने काबुल दे उत्ते कब्जा किया, शासन सत्ता हथियाई, उस तो बाद टीवी चैनलों के उत्तों महिला पत्रकार जिहड़ियां ने गायब हो गईयां। महिलावां दा टीवी तो एकदम गायब होना डर सी, डर जायज़ भी सी, पर तालिबान ने की किया, तालिबान ने अपने एक मीडिया कोआर्डीनेटर नूं एक स्थानक चैनल कोल घल्लिया जिथे उन्होंने एक महिला पत्रकार तो अपने एक मीडिया दे स्पोक्सपर्सन दे नाल इंटरव्यू करवाई। उस तो बाद यही चैनल अपने ट्विटर उत्ते ट्वीट करता है कि असी तालिबान दे इस कदम की हमायत करते हैं, आ देखो साडे स्टूडियो दे विच साडी महिला पत्रकार आ तालिबानी मीडिया स्पोक्सपर्सन नाल इंटरव्यू कर रही है। सो ये भी अपने आप दे विच एक वड्डा सुनेहा है। सो जेकर इन्हां सुनेहां नूं रला के वेख्या जाए तो कितें ना कितें स्पष्ट हुंदा भी तालिबानी लड़ाके जां फिर जिहड़े उन्हां दे सियासतदान ने वो घट्टो घट ज़हन दे विच ये लै के चल रहे ने भी असी हुण देश नूं अतवादी संगठन बन के नहीं चलाउणा। अतवादी असी उदों तक शायद रहे होईए जदों तक साडे कोल सत्ता नहीं सी, हुण सत्ता असी हथिया लई है ते हुण असी दुनिया दे सामने घट्टो घट सियासतदान बन के पेश आवांगे, अतवादी नहीं। पर इस गल दे विच किन्ना कु तथ है, किन्ना कु सच है, ये तो समय के नाल दुनिया के सामने जग जाहर हो जाएगा। तुसी की सोचते हो, तुसी विचार रख सकते हो कमेंट बॉक्स के विच कि तालिबान सच्ची मुची सत्ता हासिल करन तो बाद सियासत संभाल सकदा जां फिर अखीर ते अतवाद ही फैलाया जाएगा, अफगानिस्तान नूं सिर्फ अतवाद के घर वजों वरत्या जाएगा। विचार तुसी दे सकते हो। देखते रहो विजन पंजाब टीवी, हर कदम तुहाडे नाल।